ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 14 जो के है Solutions of Trigonometric Equations उसमें जिस टॉपिक को आज हम डिस्कवर करेंगे वो है Solution of Trigonometric Equations यानी एक ऐसी equation जिसमें कम से कम एक trigonometric function हो तो फिर उसमें जो शामिल variable है यानी angle जो है उसकी वो खास values जो के उस equation को satisfy करें वो solution कहलाती हैं अब हम इस मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट यूं है कि सॉल्यूशन ऑफ कोसाइन 4x इज इक्वल टू कोसाइन 2x इज यानी अगर एक इक्वेशन हो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक तो इसका सॉल्यूशन इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हम इसे रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से सॉल्व करेंगे हम पहले पाई बाय 3 पुट करते हैं ठीक है हम जानते हैं कि पाई बाय 3 जो है वो इक्वल टू होता है 60 डिग्री के ठीक है क्योंकि पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है तो अब देखिए अगर हम 4 टाइम कोसाइन x करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है यदि 60 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 240 ठीक है अब हम इसमें अलाइड एंगल फार्मूला की टेक्निक लगाते हैं कि अगर मैं इसे 180 प्लस 60 कर लूं तो 180 चूंकि इवन मल्टीपल है 190 का इसलिए ये कोसाइन फंक्शन ही रहेगा और चूंकि ये क्वाड्रेंट है थर्ड जो 240 डिग्री इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से कोसाइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आएगा और 60 cos 60 की वैल्यू होती है माइनस मतलब 60 की होती है 1/2 वैल्यू ठीक है अब इसी तरीके से अगर हम यही वैल्यू जो 60 इधर पुट करें तो 120 बनता है आंसर तो कोसाइन जो 120 की वैल्यू है वो भी हम अलाइड एंगल से निकाल सकते हैं हम इसे 90 प्लस 30 लिखें ठीक है और कोसाइन जो 30 की वैल्यू सॉरी मतलब 90 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है तो यहां पर हम इसे ऑड की वजह से साइन फंक्शन में तब्दील कर लेंगे ठीक है और क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल बना नेगेटिव होते से यहां पर नेगेटिव साइन पुट करेंगे और sin 30 की वैल्यू यूज करेंगे जो कि 1/2 होती है विद नेगेटिव साइन आ गया तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है लेकिन अब मसला ये है कि अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें हम लाजमी नहीं है कि हम x पाई बाय 3 रखें हम माइनस पाई बाय 3 भी रख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कोसाइन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है अगर cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू देखी जाए और कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू देखी जाए तो सेम आती है इसका मतलब ये जो इक्वालिटी है तो होल्ड माइनस पाई बाय 3 पे भी करेगी ठीक है तो फिर इसका मतलब कि हम यहां पर पाई बाय 6 भी नहीं रख सकते क्योंकि इस पे अगर हम चेक करें तो अगर फर्ज करें ये इसे सेटिस्फाई कर भी देता है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर सेटिस्फाई कर भी देता तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा ऐसे हम इसे चेक कर लेते हैं कि पाई बाय 6 पे क्या ये इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती है पाई बाय 6 मीन के 30 डिग्री ठीक है 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर 120 कोसाइन 120 की वैल्यू अभी हमने मालूम की -1/2 आती है जबकि cos 60 की वैल्यू चूंकि 30 का डबल 60 होता है 1/2 होती है ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता ठीक है फिर हम इस ऑप्शन को ऑप्शन सी को जो है वो मार्क कर देंगे ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा जबकि ऑप्शन डी भी यहां पर ऑप्शन मतलब इसका ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं हो सकता ये वाला नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ sin स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 3/4 इज यानी ये एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें x यानी जो एंगल है वो कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे साइन फंक्शन के लिए किसका जब स्क्वायर किया जाए उस वैल्यू को तो वो 3/4 आए अब ये बात हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे यानी पाई बाय 3 पे होती है अंडर रूट 3/2 और अगर हम इसका स्क्वायर करें यहां भी स्क्वायर कर लें दोनों तरफ यानी इक्वालिटी के तो ये तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है इसी तरह चूंकि साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट हम क्या करते हैं पाई में से माइनस कर लेते हैं पाई बाय 3 ठीक है ये हमारे पास 3 पाई में से पाई माइनस करें तो 2 पाई बाय 3 बनता है 2 पाई बाय 3 एंगल ठीक है तो इसका मतलब कि अगर पाई बाय 3 हमारे पास होता है 60 डिग्री तो उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो 120 डिग्री पे भी साइन वैल्यू देगा अंडर रूट 3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3/4 आएगा इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इससे अगर हम ऑप्शन बी पुट करके चेक करते रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से तो ये फॉल्स आता है
इसकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए पाई बाय फोर अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, पाई बाय फोर की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर 1 ओवर 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी इस वैल्यू से भी आप देख सकते हैं हमारा आंसर 1 बाय जो है वो 2 आएगा, सॉरी 1 ओवर अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2 आएगा, ठीक है। और इस ऑप्शन को इसलिए नहीं हम सिलेक्ट कर सकते चूँकि इसमें जो माइनस पाई बाय 3 है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं फर्ज करें, ठीक है, तो फिर इसकी जो दूसरी वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो हमें 2 पाई बाय 3 जो है वो तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मिली, जो कि मतलब यहाँ पर कोई रूल नहीं बनता इस तरह से कि हम इसको इसके साथ सिलेक्ट करें, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डैश फंक्शंस, मतलब क्या ये 1-to-1 फंक्शंस होते हैं या पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं या नॉन पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। अब अगर 1-1 फंक्शन की बात की जाए तो मैं यूं कह सकता हूं कि जैसे फर्ज करें अगर साइन फंक्शन 1-1 है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू फर्ज करें हम चेक करते हैं जैसे 30 डिग्री पे पाई बाय 6 पे या आती है 1/2, तो फिर साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमें एक ही ऑप्शन मिलना चाहिए और वो होना चाहिए पाई बाय 6, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें इसके दो जवाब मिलते हैं, यानी पाई बाय 6 भी मिलता है और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में से माइनस कर लेते हैं पाई बाय 6, जो कि सॉल्व करने में 5 पाई बाय 6 आता है। इसका मतलब कि रिवर्स में इसको हम फंक्शन इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि डोमेन की एक वैल्यू से रेंज की दो वैल्यूज आ रही जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए 1-1 तो फंक्शन नहीं हो सकता। कंटिन्यूस अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जो कि डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम टेंजेंट की बात करें, ठीक है, टेंजेंट 90 की बात करें तो इसमें हम जो लिखते हैं इसको साइन ऑफ 90 ओवर कोसाइन ऑफ 90, अब कॉस 90 जीरो होता है और साइन 91 है, यानी 1/0 फॉर्म बन गई जो कि अनडिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ पे आके ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम ये वैल्यू भी नहीं मतलब इस फंक्शन के हवाले से भी कह सकते हैं कि रेफरेंस के तौर पे कंटिन्यूस नहीं होते, पीरियोडिक कह सकते हैं क्योंकि हमने बात नोट की है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी पॉजिटिव जो एंगल है उसके बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे अगर साइन फंक्शन की बात करें तो ये 2 पाई एंगल के बाद हर 2 पाई एंगल के बाद अपनी वही वैल्यू दोबारा दोहराता है, इसलिए अगर टेंजेंट फंक्शन की बात करें तो वो पाई एंगल के बाद दोहराता है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी अपनी वैल्यू को दोहराते हैं एक खास पॉजिटिव एंगल के बाद। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करें तो देखें इसमें लिखा सॉल्यूशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 4/3। अब एक जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू के बाद हम इसके पीरियड को भी ऐड करेंगे इस फंक्शन के, क्योंकि कोसेकेंट जो है हम जानते हैं कि वो हमारे पास जो है वो साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1/sin θ जो है वो कोसेकेंट थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जैसे पाई बाय 3 हम जो रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को यूज़ करेंगे, यहाँ अगर पाई बाय 3 यहाँ थीटा की जगह पुट किया जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है पाई बाय 3 पे वो यानी 60 डिग्री पे वो आती है हमारे पास अंडर रूट 3/2, ठीक है, और जब उसका इन्वर्स किया जाएगा मतलब उसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/√2, ठीक है, और बल्कि सॉरी अंडर रूट थ्री बाई टू थी तो ये हो जाएगी 2/√3, ठीक है, 2/√3। और जब हम कोसेकेंट का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर मैंने पाई बाय 3 पे बात की है, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर दूसरी साइड पे भी इक्वालिटी के मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा और ये 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसका मतलब और 2 पाई बाय 3 पे भी ये एग्जैक्ट यही वैल्यू आती है, चूँकि हम जानते हैं 2 पाई बाय 3 का मतलब 120 डिग्री और साइन की 120 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3/2 ही होती है, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आएगा, उसका स्क्वायर 4/3 आएगा। और चूँकि 2 पाई पीरियड होता है साइन फंक्शन का और कोसेकेंट उसी का रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसलिए इसका भी पीरियड 2 पाई है,
और इसमें हम टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। जबकि अगर हम ऑप्शन जो बी की बात करें तो इसमें वैल्यूज तो ठीक है, लेकिन ये जो एन पाए पीरियड ऐड किया जा रहा है ये गलत ऐड किया जा रहा है, चूंकि पीरियड जो होता है साइन फंक्शन का या कोसेकेंट फंक्शन का वो 2π होता है, जबकि टेंजेंट और कोटेंजेंट का पाए होता है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन सी बिल्कुल ही नहीं बनता, क्योंकि पाए बाय फोर पे कोसेकेंट की वैल्यू अंडर रूट 2 आएगी, ठीक है, चूंकि साइन की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती, तो फिर इसका स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर सिंपल 2 आंसर आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, इसमें तो राइट और लेफ्ट साइड बराबर नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज, यानी एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसको लिखने से साइन फंक्शन जो आंसर देता है वो जीरो देता है, ठीक है। चूंकि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो लिखने से जो है हमारे पास ये जवाब जीरो आ जाए, चूंकि जो 2 पाई है पीरियड है हमारे पास साइन फंक्शन का, ठीक है, इस वजह से। लेकिन जब हम एक जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है साइन पाई भी जो है यानी साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है। इसी तरह अगर साइन माइनस पाई की बात की जाए तो इसकी वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है, जो कि हमने यूनिट सर्कल से इस बात को समझा था कि अगर हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो हमारे पास सर्कल का एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था और उसके जब कोऑर्डिनेट्स को देखा था तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा था और वाई कोऑर्डिनेट जो था वो साइन थीटा था। हमने कहा था कि साइन जैसे चूंकि जब 180 की बात करेंगे यहाँ पे या जीरो पे ये हमारे पास क्या होता है इसकी वैल्यू जीरो आती है, चूंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट अगर यूनिट सर्कल है 1 होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसी तरह यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव 1 होगा लेकिन वाई 0 होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है चूंकि इसमें एन पाई की बात की जा रही है, एन एक इंटीजर है, मतलब हम इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे पाई आएगा, माइनस 1 पुट करेंगे माइनस पाई आएगा, तो फिर ऑप्शन ए जो हमारा वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि ऑप्शन बी ऑप्शन सी और डी इस लिहाज से बिल्कुल जो है वो गलत ऑप्शन होंगे, चूंकि वैसे भी 90 पे अगर हम 90 अगर n को 1 पुट कर लें 90 पे देखें तो साइन 90 तो 1 होता है, 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये तो सॉल्यूशन बन भी नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जिसमें कि सॉल्यूशन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा गया है, ये क्या हो सकता है। अब देखिए हमें पता है कि कॉस की वैल्यू 0 किस किस एंगल पे आती है। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो कॉस की वैल्यू पाई बाय 2 पे यानी 90 पे 0 आती है, ठीक है, और ये बात हमने इस तरह से समझी थी कि यूनिट सर्कल पे जिस तरह से भी इससे पिछले एमसीक्यू में भी मैं आपको बता रहा था कि जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कॉस थीटा है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है, तो 90 पे जब पहुंचते हैं कोई भी पॉइंट तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, यूनिट सर्कल की अगर मैं बात करूं तो वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। इसी तरह जब हम 270 डिग्री पे पहुंचेंगे तो यहाँ भी जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव 1 होगा। तो इसका मतलब कि फिर हमारे पास जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें 90 के जो ऑड मल्टीपल्स बनते हैं, चूंकि इवन मल्टीपल में जो है वो 180 आता है 360 आता है, ठीक है, उस पे तो कॉस की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस 1 है यानी 180 पे, और अगर हम 360 या 0 पे देखें तो कॉस की वैल्यू 1 आती है पॉजिटिव 1। इस लिहाज से हम देखें तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन बी बनता है वो बेस्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसमें एन जब हम इंटीजर्स पुट करेंगे जैसे 0 पुट करते हैं तो पाई बाय 2 आएगा, जो कि इस कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है कि कॉस 90 0। फिर अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनता है, जो कि फिर हमें 0 वैल्यू देगा कॉस की। इस इनफिनाइट मैनी जो सॉल्यूशंस हैं उसमें जो बी ऑप्शन है वो तमाम वैल्यूज दे रहा है एंगल की जिस पे कि हमारा ये फंक्शन जो है वो 0 आंसर देता है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाती है, जबकि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया कि पाई पर माइनस 1 होती है वैल्यू, तो हर पाई एंगल पर
जो इसकी वैल्यू होगी, जब 2 पाई की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी, जो कि जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती। इसी तरह ये वैल्यूज भी सेटिस्फाई नहीं करती। यहाँ पर जब हम n 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और cos 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पर n की तमाम वैल्यू से ये जो इक्वालिटी है होल्ड नहीं करती, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी हम वो फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे।